आज का जो ट्यूटोरियल है वो स्टोरी एडिटर से है, और स्टोरी एडिटर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, कब करेंगे, ये पूरा विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, और स्टोरी एडिटर का कुछ लिमिटेशन भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे ये पेज मेकर 7.0 मेरा खुला हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर एडिट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ एक ऑप्शन है एडिट स्टोरी, कोई कोई इसे स्टोरी एडिटर भी बोलते हैं। अब ये है एडिट स्टोरी। अब इसका यूज़ कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि अगर ये जो डॉक्यूमेंट आपको, ये जो पब्लिकेशन है, इसके साथ अगर कोई ग्राफिक है, तो जब आप स्टोरी एडिटर ओपन करेंगे तो वो ग्राफिक या कोई शेप वगैरह आपको दिखेगा नहीं। वहाँ पे कोई ग्राफिक वगैरह, तस्वीर वगैरह नहीं दिखता है। ये सबसे पहला माइनस पॉइंट है। दूसरी बात क्या है, इसका यूज़ कब करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ मेनू बार आपको दिख रहा है, यहाँ यूटिलिटीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो अनहाइलाइटेड है, देख सकते हैं, जैसे फाइंड है, फाइंड नेक्स्ट है, चेंज है, स्पेलिंग है। ये ऐसे नॉर्मली ये काम नहीं करेगा, बिना स्टोरी एडिटर का ये काम नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं आपको कुछ वर्ड फाइंड करना है, लंबा चौड़ा कोई डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड है जिसे आपको चेंज करना है, आपको बार बार कोई मिस ना हो जाए कोई वर्ड, कोई स्पेलिंग में गलती है, तो ये सब आप जब तक स्टोरी एडिटर ऑन नहीं कीजिएगा तब तक ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब स्टोरी एडिटर चलिए ओपन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे नॉर्मली आपको ये विंडो आपको दिख रहा है इस तरह से, अब जब आप स्टोरी एडिटर ओपन करते हैं तो एक नया विंडो खुलता है। देखिए, तो जो भी हम लोग काम करते हैं तो कर्सर के बिगनिंग में मैंने ये जो पहला टूल है आपका टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे और ठीक पैराग्राफ देख सकते हैं, एक पैराग्राफ है। अब यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग पे मैंने कर्सर रख दिया, रखने के बाद क्लिक किया है, कर्सर दिख रहा है आपको, ब्लिंक कर रहा है। अब स्टोरी एडिटर का हम लोग यूज़ करेंगे, ये सब हम लोग करके देखेंगे ये सब एक्टिवेट होता है कि नहीं। तो एडिट में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे देखिए एडिट स्टोरी है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा मैंने बिगनिंग में आपको बताया था, अलग सा देखिए यहाँ पे विंडो में देख लीजिए, यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब दूसरा इसका माइनस पॉइंट क्या है, अगर आप कोई टूल्स यहाँ से यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर टूल्स काम नहीं करेगा, ये सबसे एक नहीं होता है इसमें स्टोरी एडिटर के अंदर, आपको इससे बाहर आना पड़ता है, उसके बाद आप इसका यूज़ कर पाइएगा। तीसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे जो कलर्स वगैरह आप अगर आप चेंज करते हैं, मान लेते कोई कलर किसी टेक्स्ट का, मैं जैसे यहाँ ऑलवेज जो लिखा हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ से अगर मैं इसको कलर जैसे मान लेते इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ देखिए 14 है, अगर मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 30, ठीक है, यहाँ देखिए दिखा रहा 30 यहाँ पे, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पे आप चाहे तो बोल्ड कर दीजिए, देखिए यहाँ पे बोल्ड किया, इटैलिक किया, इसको अंडरलाइन किया, ये हल्का सा आपको दिख रहा है। अब यहाँ से जैसे इसको ब्लू कलर कर दिया मैंने, इसको कर दिया मैंने ब्लू कलर, इसका साइज भी बढ़ाया, लेकिन यहाँ कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। जब तक हम लोग वापस अपने ओरिजिनल पेज में नहीं जाएंगे तब तक वो डिस्प्ले नहीं होगा। देखिए, अब फिर से एडिट में जाते हैं, इसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं, कंट्रोल ई इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर जो ऑलवेज दिख रहा है आपको साइज़, देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। हम लोगों ने स्टोरी एडिटर पे काम किया, वहाँ पे किया, लेकिन ये डिस्प्ले जब कर रहे हैं, वापस अपने पेज में आ रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि देखिए एक कलर चेंज हो गया, साइज़ इसका देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसका साइज़ भी देख लीजिए बड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि स्टोरी एडिटर के अंदर कुछ भी जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं वो डायरेक्टली वहाँ नहीं डिस्प्ले होता है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा, यहाँ पर ओरिजिनल पेज पर वापस जब आएँगे तो दिखाई देगा। दूसरी बात क्या है, टूल्स कोई भी काम नहीं करता। अब चलिए कुछ वर्ड हम लोग चेंज करेंगे, फाइंड करेंगे, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे एडिट स्टोरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से एक विंडो इस तरह से ओपन हो गया। अब हमें कोई वर्ड फाइंड करना है तो अब देखिए मेनू बार आपको सेम टू सेम उसी तरह दिख रहा है। आप यहाँ पर यूटिलिटीज़ में जाते हैं, देखिए फाइंड आ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पर शॉर्टकट भी देखिए, कंट्रोल के साथ एफ दबाइएगा तो ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स ऐसे खुल जाएगा। अब जैसे कोई वर्ड मुझे फाइंड करना है, जैसे मान लेते हैं क्विक फाइंड करना है, QUICK, यहाँ पे होना चाहिए वर्ड, ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो वर्ड है ही नहीं, आप फाइंड कीजिएगा तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। फाइंड वर्ड यहाँ पे दिया, फाइंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्विक फाइंड कर दे रहा है, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये देखिए क्विक फिर फाइंड कर रहा है, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइंड और फाइंड वर्ड फाइंड नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखिए फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा है, सर्च कम्प्लीट हो गया, अब ओके कर दिया मैंने। अब मान लेते हैं ये तो हो गया, अब जैसे सब काम कंप्लीट हो गया, अब इसको अगर मैं क्लोज़ कर देता हूँ, वापस हमें वापस जाना है, फिर एडिट में आया, यहाँ पे एडिट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं वापस हम लोग वापस आ गए। अब मान लेते हैं कोई वर्ड हमें चेंज करना है, जैसे क्विक के जगह हमें फास्ट करना है, तो सेम वही प्रोसेस करना होगा, एडिट में जाएंगे, यहाँ पर एडिट स्टोरी में जाएंगे हम लोग। अब क्या करना है,
कि कोई वर्ड को चेंज करना है, तो यहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा है, यूटिलिटीज में जाते हैं, अब यहाँ पे फाइंड, उसके बाद चेंज है, चेंज पे क्लिक करेंगे। अब करने के बाद देख सकते हैं सेम वही पैलेट खुल गया। अब क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो आपको वर्ड फाइंड करना है जो यहाँ पे है, जिसे आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे फाइंड वर्ड पहले फाइंड करेगा फिर चेंज करेगा। चेंज टू वर्ड सपोज कर देता हूँ फास्ट, FAST फास्ट कर दिया, या फाइंड वर्ड चेंज टू, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करते हैं। तो देखिए क्विक फाइंड किया, फिर फाइंड नेक्स्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए चेंज हो गया, देख सकते हैं। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, फाइंड किया, चेंज एंड फाइंड दिया हुआ, देख सकते हैं, मतलब चेंज होगा फिर ढूंढेगा। तो देखिए देखिए ये यहाँ पे चेंज कर दिया, फिर दूसरा वर्ड यहाँ पे फाइंड कर दिया, फिर अगर चेंज करना है चेंज कर दिया, फिर चेंज ऑल, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बोलेगा सर्च कंप्लीट, मतलब अब जो वर्ड है अब जिसको मैंने ढूंढ रहा था क्विक वो अब नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बता रहा सर्च कंप्लीट हो गया। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पे अब इसको मैं यहाँ से फिर से क्लोज कर देता हूँ, तो फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, सर्च, ये सब कंप्लीट हो गया। अब मान लेते हैं कोई स्पेलिंग मेरा गलती है, जैसे मान लेते हैं कोई स्पेलिंग गलती, उसको ठीक करेंगे कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे बहुत बार इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से इसको क्लोज करना चाहेंगे, तो यहाँ से देखिए मैं क्लोज करूँगा तो वापस हम लोग इस पेज पे आ गए। ऐसे भी आप क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली कभी कभी ऐसा होता है ऑटोमेटिकली ये देखिए ऐसे खुल जाता है, एडिट स्टोरी पे क्लिक करेंगे ये खुल जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वापस आप जाइएगा एडिट में, यहाँ से एडिट लेआउट पे क्लिक कीजिएगा, तो वापस आप अपने पेज में आ जाइएगा। अब रहा सवाल स्पेलिंग का, तो बहुत बार देखिए अगर आपके पास ओरिजिनल एडोबी पेज मेकर है तो स्पेलिंग काम करता है, हो सकता है इसमें काम ना करे, लेकिन प्रोसेस सेम टू सेम ही है। आपको अगर स्पेलिंग ढूंढना है तो अगेन आपको एडिट में जाना है, एडिट स्टोरी पे क्लिक करना है। अब कर्सर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे देखिए यूटिलिटीज़ में गया, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है स्पेलिंग, स्पेलिंग पे क्लिक करूँगा, अब देखिएगा स्टार्ट चेंज टू व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने, तो देखिए चेंज टू कंटिन्यू, फिर स्पेलिंग चेक कम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे मैं लिखता हूँ कैन, CAN, ठीक है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है स्टार्ट, स्टार्ट पर क्लिक किया, डिक्शनरी इज़ मिसिंग और डज नॉट सपोर्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये जो सॉफ्टवेयर है मेरा ओरिजिनल तो है नहीं, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल अगर सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर का ओरिजिनल वर्सन है, तो आपका स्पेलिंग उसमें मिलेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे पास 2-4 पेज मेकर का सॉफ्टवेयर था, तो ये पुराना वाला है जिसमें स्पेलिंग ऑप्शन नहीं है, तो लेकिन प्रोसेस सेम टू सेम है। तो इस तरह से हम लोग स्टोरी एडिटर का या एडिटर स्टोरी का हम लोग यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए। आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली आप चाहिएगा कि स्टोरी एडिटर के अंदर काम कीजिएगा, उसके बाद आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने, एडिट में गया, अब डायरेक्टली यहाँ से हम लोग तो कर रहे हैं, देखिए जैसे कलर चेंज करना है तो यहाँ से तो हम लोग कर दे रहे हैं, ये देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, यहाँ से हो रहा है डायरेक्टली। लेकिन अगर स्टोरी एडिटर के अंदर जाके अगर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं है, और जैसे ओवरऑल में अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से अगर साइज इसका बोल्ड कर दे रहा हूँ, इटैलिक कर दे रहा हूँ, उसको कैपिटलाइज कर दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कलर भी देखिए यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा। तो वापस आपको वापस जाना होगा, एडिट लेआउट पे क्लिक कीजिएगा, वापस चले आएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरऑल, देख सकते हैं यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया, टूल बॉक्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ये फाइन, फाइन नेक्स्ट, चेंज, स्पेलिंग, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।